हरे भरे लहलहाते खेत, अनाज से लबालब भरे भंडार, खुशहाल और संपन्न किसान, ये कहानी है भारत के असाधारण कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा की। इस अनोखी गाथा में देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं ने अहम भूमिका निभाई है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग एक तिहाई का योगदान करके गेहूं खाद्य सुरक्षा को ठोस आधार प्रदान करता है। लगभग पूरे देश में विभिन्न कृषि जलवायु और दशाओं में गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। देश में गेहूं की खेती लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत उत्पादकता लगभग 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। हरित क्रांति से पूर्व सन 60 के दशक में गेहूं का वार्षिक उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन था, जबकि आज हमारे मेहनती किसान 86 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर गेहूं का उत्पादन करने वाले अग्रणी देशों में भारत का दूसरा स्थान है और हम गर्व से गेहूं का निर्यात करने में भी सक्षम हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को सतत बनाए रखने के लिए गेहूं के कुल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना अनिवार्य है। आम किसानों के खेतों में गेहूं की उत्पादकता वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनों की तुलना में आम तौर पर सार्थक रूप से कम होती है, क्योंकि सामान्यतः किसान उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाते। देश में गेहूं के उत्पादन को गति देने में हरित क्रांति की जन्मस्थली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां शोधों और प्रयोगों के माध्यम से गेहूं के उत्पादन और गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास किया जा रहा है। हरित क्रांति के दौर में संस्थान द्वारा गेहूं की अधिक उपज देने वाली और रोग रोधी विशिष्ट किस्मों का विकास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों ने अब तक HD, HP, HS, HW श्रृंखला सहित गेहूं की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं और इन्हें किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया भी गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान निदेशालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं के लिए गेहूं की उन्नत किस्में विकसित और प्रसारित की गई हैं। गेहूं की खेती सिंचित और बारानी दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों से संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने शोध और अनुभव के आधार पर सिंचित दशाओं में समय से और देरी से बुआई के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजातियों की पहचान की है। असिंचित दशाओं और लवणीय मृदाओं के लिए भी उपयुक्त किस्मों की सिफारिश की गई है। उत्तम बीज बेहतर फसल उत्पादन की नींव रखते हैं। हमेशा साफ, स्वस्थ और खरपतवारों के बीजों से रहित प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पानी नहीं है इरिगेशन देने के लिए, वहाँ के लिए 2781। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के करनाल स्थित क्षेत्रीय स्टेशन द्वारा चुनिंदा किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की बिक्री की जाती है। इसका लाभ उठाएं। यदि अपने खेत का बीज प्रयोग करना हो तो बुआई से पूर्व बीज का उपचार करें। बुआई के लिए बीज की दर, दानों के आकार, जमाव प्रतिशत, बोने का समय और विधि तथा भूमि की दशा पर निर्भर करती है। यदि 1000 बीजों का भार 38 ग्राम है तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम
और देरी से बुआई के लिए 125 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। बारानी क्षेत्रों में समय से बुआई के लिए 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में धान के बाद गेहूं की बुआई देरी से होती है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। महंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस की बचत के लिए संस्थान द्वारा अजोटो बैक्टर जीवाणु टीका और फास्फोरस के टीके का विकास किया गया है। इनके उपयोग से उपज में 10-15% तक की वृद्धि देखी गई है। बुआई देशी हल द्वारा केरा या पोरा विधि से करें या फिर बुआई मशीन का उपयोग करें। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में सिंचित दशा में गेहूं की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े में करें। उत्तर पूर्वी भागों में मध्य नवंबर तक बुआई की जा सकती है। देर से बुआई के लिए उत्तर पश्चिमी मैदानों में 25 दिसंबर और उत्तर पूर्वी भागों में 15 दिसंबर अंतिम समय सीमा है। बारानी क्षेत्रों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई करनी चाहिए। यदि भूमि की ऊपरी सतह में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद हो तो 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बुआई 22-23 सेंटीमीटर की आपसी दूरी पर बनी कतारों में करनी चाहिए और ध्यान रहे कि बीज 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर ना गिरे। सीड ड्रिल या फटी सीड ड्रिल से बुआई करना लाभकारी होता है। संरक्षित खेती के लिए जीरो टिल ड्रिल का उपयोग करें। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा डीजल और पानी की बचत होती है। फसल अवशेष को बिना साफ किए अगली फसल की बुआई के लिए रोटरी टिल का उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक फर्ब तकनीक में 70 सेंटीमीटर में मेड़ों पर गेहूं को 2 या 3 कतारों में बोया जाता है। इन मेड़ों के बीच बनी नालियों के जरिए सिंचाई की जाती है। इससे 24-40% बीज, 25% नाइट्रोजन और 25-40% पानी की बचत होती है। अधिक अन्न उत्पादन के लिए खेत में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं और इसी के आधार पर वैज्ञानिक की सलाह से पोषक तत्वों का उपयोग करें। सामान्य सिफारिश के अनुसार सिंचित दशा में समय पर बुआई की गई फसल में 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40-60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। देरी से बोई गई फसल के लिए लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30-40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बारानी क्षेत्रों में समय से बोई गई फसल में 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। सिंचित दशाओं में फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई से पहले फटी सीड ड्रिल द्वारा खेत में डालें। नाइट्रोजन की बची हुई 2/3 मात्रा का आधा पहली सिंचाई के बाद और बाकी आधा दूसरी सिंचाई के बाद फसल को टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। मिट्टी की जांच के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा और बोरान का उपयोग सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार किया जा सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन सबसे उत्तम और पर्यावरण अनुकूल विधि है। गेहूं की फसल को तैयार होने के लिए पूरी अवधि में 35-40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। फसल की कुल 6 महत्वपूर्ण या क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।
खेती की मेड़बंदी जरूर करें, जिससे वर्षा का पानी रुका रहे। खेत को ढाल के अनुसार छोटी क्यारियों में बांटकर सिंचाई करना सुविधाजनक और अधिक लाभप्रद है। सिंचाई लगभग 6 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। गेहूं की फसल में खरपतवारों का प्रकोप उत्पादकता कम करने वाला प्रमुख कारण है। गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा गेहूं का सबसे प्रमुख खरपतवार है। इसके अलावा जंगली जई, बथुआ, जंगली पालक, कृष्ण नील, हिरनखुरी आदि भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रारंभिक बढ़वार के 30 से 50 दिनों के दौरान खरपतवारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कुछ आसान और असरदार उपाय ये हैं। खरपतवारों से मुक्त बीजों का प्रयोग, समय पर बुआई, कतारों के बीच अधिकतम दूरी 18 सेंटीमीटर, बुआई से पहले हल्की सिंचाई और फिर जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करना, शून्य जुताई मशीन या फर्व विधि द्वारा बुआई, सिंचाई की नालियों या मेड़ों पर खरपतवार ना जमने दें, बुआई के 30 से 40 दिनों के अंदर खुरपी या हो द्वारा निराई गुड़ाई, बुआई के 3 दिनों के अंदर पेंडी मेथिलीन के घोल का छिड़काव, खरपतवारी नाशी रसायनों का उपयोग केवल प्रकोप की दशा में वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करें। खरपतवारों का समेकित प्रबंधन सबसे अधिक प्रभावकारी व पर्यावरण अनुकूल है। गेहूं में रोगों का प्रकोप पैदावार को सार्थक रूप से कम कर देता है। उन्नत किस्म के शुद्ध बीजों के उपयोग और बुआई के पूर्व इनके उचित उपचार से फसल पर रोगों का प्रकोप कम होता है। एक समय में रतुआ रोग से गेहूं को काफी नुकसान होता था, परंतु रतुआ प्रतिरोधी किस्मों के विकास से ये समस्या अब काफी कम हो गई है। गेहूं का एक अन्य प्रमुख रोग है कंडवा। यदि प्रमाणित बीज को कार्बोक्सीन नामक कवकनाशी से उपचारित करके बुआई की जाए तो ये रोग पनपने की संभावना नहीं होती है। हाल के वर्षों में करनाल बंट नामक रोग राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरा है। इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बोक्सीन से उपचारित करना चाहिए। गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में दीमक और माहू का प्रकोप बढ़ रहा है। माहू की संख्या प्रति पौधा 10 से अधिक होने पर कीटनाशक का छिड़काव करें। दीमक की रोकथाम के लिए खेतों के आसपास इनकी कॉलोनियों को सामूहिक रूप से तोड़कर इसमें कीटनाशी डालें। बुआई के 1-2 दिन पहले बीजों को कीटनाशी से उपचारित करके भी दीमक के प्रकोप से बचा जा सकता है। दीमक का प्रकोप होने पर सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार कीटनाशी का छिड़काव करें। प्रारोह मक्खी पछेती फसल पर आक्रमण करती है, इससे बचने के लिए फसल को समय से बो दें। अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशक का छिड़काव करें। गुलाबी तना बेधक का प्रकोप उन खेतों में ज्यादा होता है जहां धान के बाद गेहूं की फसल उगाई जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल कटने के बाद खेत की अच्छी तरह जुताई करें, आवश्यकता होने पर ही कीटनाशक का छिड़काव करें। गेहूं की फसल में कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पर्यावरण हितेशी उपायों से कीटों का प्रबंध किया जाता है। खेती के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने से किसान के सामने ठीक समय पर स्वस्थ फसल तैयार हो जाती है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि फसल की कटाई सही समय पर की जाए, आमतौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक फसल की कटाई की जाती है, जब पौधों का तना भूरे रंग का हो जाए और बालियों में कड़कपन आ जाए तो समझना चाहिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। छोटे खेतों में जहां हाथ से कटाई की जाती है, दरांती का उपयोग करना चाहिए और पौधों को जमीन से काटना चाहिए। गहाई के लिए उपयुक्त थ्रेशर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
रकम पड़े खेतों में कंबाइनर मशीन द्वारा कटाई करना उपयुक्त है। इससे श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ये फसल की कटाई, गट्ठर बनाने और गहाई का काम एक साथ कर देती है। इस तरह वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाकर गेहूं की फसल से सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 5 टन उपज प्राप्त करना संभव है। बारानी क्षेत्रों में 2 से 2.5 टन उपज प्राप्त की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक किसानों तक गेहूं की खेती की उन्नत तकनीकें पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। लक्ष्य ये है कि गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में सतत विकास हो, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा बनी रहे। अभी हमारे वैज्ञानिकों का प्रमुख जोर है कि न केवल प्रोडक्शन पोटेंशियल गेहूं का बढ़ाया जाए, बल्कि उसकी गुणवत्ता में विकास करें और ग्लोबल वार्मिंग के लिए गेहूं के जातियों का विकास करें, जिससे कि जो टर्मिनल हीट टॉलरेंस के लिए सहिष्णु हो। हमारे वैज्ञानिक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि तीनों रस्ट, जो येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट की अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो। और पिछले साल हमने एक वैरायटी जिसका नाम HD2967 था का विमोचन किया, जो अभी किसानों के खेतों तक पहुंच गई है और ये तीनों रस्ट के लिए रेसिस्टेंट है। यह वैरायटी PBW343 जो कि येलो रस्ट के लिए सक्सेसफुल हो गई है को रिप्लेस करती है। हमारे वैज्ञानिक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए गेहूं की प्रजातियों का विकास करें, जिससे कि न केवल पानी की बचत होगी बल्कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में सफल होंगे और देश का भविष्य गेहूं के उत्पादन में सुनहरा होगा। गेहूं की उत्पादकता में सुधार, खाद्य सुरक्षा का आधार।